Welcome. Please make yourself comfortable. I hope it's a pleasant surprise. Good evening, Mr. Razi. Good evening. Namaskar. Aaiye. Thank you so much for inviting me. अरे शुक्रिया तो आपको हमारी बेटी उल्रिका करना चाहिए. आप सब उसी के मेहमान हैं. वैसे हमारी बेटी आपकी जीत से बहुत खुश है. और आज का जश्न उसकी बर्थडे का काम आपकी विक्ट्री का ज़्यादा है. कहाँ है उल्रिक? अभी बुलाती हूँ. उल्रिक. हाय. Many many happy returns of the day. Thank you so much. Come with me. Welcome, Mr. John. Welcome. अरे अल्ताफ मियाँ, वो मुंशी जी छापाखाना से लौटा है? जी हुजूर, अभी तक तो नहीं लौटे. अब कोई मैम साहब आपका इंतजार कर रही हैं. मैं उनके लिए शरबत का बंदोबस्त करने जा रहा था. ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ. मेम साहिबा, हेलो उल्रिक. सीजन आप, मेरा मतलब है तुम. आपको ये लिबास अच्छा लगता है ना? और शायद इसे पहनने वाले भी. शायद मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है. मैं शिकायत नहीं कर रही थी.
मैं भी सफाई नहीं पेश कर रहा था, सच्चाई बयान कर रहा था। फिरंगियों को दोस्त बनाए रखना हमारी जंगे आजादी का ऐसा पहलू है जिसके लिए हमें वो भी करना पड़ता है जो करने को दिल नहीं चाहता। उल्रिक बहुत भोली और मासूम लड़की मालूम होती है ना? हाँ शायद। मैं तुम्हारे पास आना ही चाहता था अजीजन। हमारे पास क्यों? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। शुक्रिया अदा मत कीजिएगा, हमारा दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? तुम्हारा दिल तो मेरे लिए बहुत कीमती है। तुमने जो एहसान किया है उसने तुम्हारा मुकाम हम सब की निगाहों में बहुत बुलंद कर दिया है। काश इस एहसान का बदला चुका पाना मेरे बस में होता। इसे एहसान के सिवा और कुछ नाम नहीं दिया जा सकता। दिया जा सकता है लेकिन देते हुए डर लगता है। लोग कहते हैं क्या बहुत बहादुर इंसान है। बहादुर हूं लेकिन मेरी जिंदगी जिस राह पर गामजन है उस राह पर किसी को हम सफर बनाने के लिए आवाज देते हुए डर लगता है। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजीजन एक बात कहना तो भूल ही गया। फरमाइए। वैसे तो तुम पर हर लिबास अच्छा लगता है लेकिन अपने लिबास में तुम सबसे ज्यादा हसीन लगती हो। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारा रास्ता रोकने की? तुम शायद जानते नहीं कि हम राजा हैं। धिक्कार है ऐसे राजा पर जो एक मामूली लुटेरे की तरह इस अबला को उसकी मर्जी के बगैर उठाए लिए जा रहा है। अगर तुम वाकई राजा होते ना तो अपनी बहादुरी से इसका दिल जीतने की कोशिश करते। ये तो चोर उचक्कों का काम है। अपनी जबान को लगाम दो और हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाऊंगा, बेशक हट जाऊंगा। वैसे भी मेरे पास समय कम है और काम बहुत। तुम बस इस लड़की को छोड़ दो। तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? क्या लगती है तुम्हारी? किसी मजबूर की मदद करने के लिए उसका कुछ लगना जरूरी नहीं है। बस इंसान होना और इंसानियत के मायने समझना काफी है। छोड़ दो इसे वरना मेरी तलवार तुमसे बात करे। हटाओ इस रास्ते के रोड़े को। Ah! Yeah! Ah!
आज आप नहीं आते तो मेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाता। मैं किस तरह आपको धन्यवाद दूं? धन्यवाद तो भगवान का कीजिए कि इस वक्त मैं यहां से गुजर रहा था। खैर, आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नुकसान? नुकसान तो वो मेरी लाश को ही पहुंचा सकता था। कौन था वो? जगत सिंह, उस दुष्ट को मेरे पिताजी ने एक गरीब लड़की से बदतमीजी की सजा दी थी, उसी का बदला लेना चाहता था वो मुझसे। अच्छा, तो वो जगत सिंह था। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप जगदीशपुर की राजकुमारी हैं। मैं शंकरपुर का जागीरदार बेनी माधव हूं और मैं महाराज से ही मिलने जा रहा था। आप रुकिए, मैं अभी आया। आजा बेटा। बस आइए, आप इस घोड़े पर बैठ जाइए। लेकिन आप? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, जगदीशपुर इतना दूर नहीं कि थोड़ा पैदल ना चल सकूं। आइए। जी बड़े भैया, मुझे जगत सिंह आज ही चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जो आज्ञा। करिए कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी, कुछ भी करने से पहले यह जान लीजिए कि जगत सिंह यह जलील हरकत सिर्फ अपने बल पर नहीं कर सकता था। हो ना हो, फिरंगियों ने उसे मदद का आश्वासन जरूर दिया होगा, इसलिए इस वक्त जगत सिंह के खिलाफ कुछ भी करना फिरंगियों को बीच में आने का मौका देना होगा। मैं फिरंगी यौम की महारानी की परवाह नहीं करता, यह मेरी आन का सवाल है। दुनिया जानती है कि जगदीशपुर का महाराजा अपनी आन पर मर मिटने वाला एक बहादुर सूरमा है, किसी को आपकी वीरता पर कोई शक नहीं है। हां, अभी यह वक्त मुनासिब नहीं है। मैं नाना साहब का यही संदेश आपके पास यहां लेकर आया हूं, इसलिए इस वक्त खून का यह घूंट पी जाना ही बेहतर होगा।
ब्लडी शेर खान। No, no, keep it back. Come on!